Hello, I'm Dr. Riya Ballikar, consultant hematologist and hemato-oncologist attached to Wockhardt Hospital, Nagpur. The 8th of May is a very special day for us hematologists because this is celebrated the world over as International Thalassemia Day. And this is to celebrate the thalassemia patients and their constant struggle for a better life. Every year, 10,000 children with thalassemia major are born in our country. Thalassemia kya hai? थैलेसीमिया एक ऐसा खून का बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में खून कम मात्रा में तैयारी होता है और जो तैयारी होता है वो डिफेक्टिव या खराब टाइप का खून रहता है। इसकी वजह से शरीर में कॉन्स्टेंटली खून का कमी रहेगा या अनीमिया रहेगा, जॉन्डिस या पीलिया रहेगा, पित्त की थैली में पत्री या गॉल स्टोन्स इत्यादि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम लोग ब्लड देते हैं पेशेंट्स को। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को कम खून भी मिलना नहीं चाहिए या ज़्यादा खून भी मिलना चाहिए। कम खून मिलना या अंडर ट्रांसफ्यूजन की वजह से बच्चे का ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, वो ठीक से नहीं होगा। चेहरे में डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं, पेट में जो ऑर्गन हमारा एक अव्यय है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ सकता है, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये इसके साथ अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि ये पेशेंट्स को ओवर ट्रांसफ्यूजन या ज़्यादा ब्लड भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा ब्लड देने से हमारे शरीर में आयरन का मात्रा, क्योंकि हर जो बॉटल हम ब्लड का देते हैं उसमें आयरन रहता है, 250 मिलीग्राम अराउंड आयरन रहता है एक बैग में खून के। तो आप समझ सकते हैं कि महीने में एक या दो ट्रांसफ्यूजन अगर कंटिन्यूसली दिए तो शरीर में कितना आयरन अक्यूमुलेट होगा, और ये आयरन अक्यूमुलेट होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे लिवर खराब हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है, और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन अंडर ट्रांसफ्यूजन एंड ओवर ट्रांसफ्यूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, खून बढ़ाने के लिए हम विटामिन जैसे फोलिक एसिड ये सब देते हैं पेशेंट्स को। एक कैप्स्यूल एक रहता है जो कुछ सिलेक्ट पेशेंट्स में थैलेसीमिया का अगर दिया जाए तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। आयरन अगर पेशेंट्स में बढ़ता है, जो कि बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स में बढ़ता है, तो इसके लिए हम टैबलेट्स दे सकते हैं या इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे आयरन कंट्रोल में रहेगा। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, द क्योरेटिव ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिससे जो मैरो अंदर ब्लड में, जो बोन में जो मैरो रहता है जहाँ से सब खून तैयारी होता है, उसको हम पलटाते हैं। किसी और का खून जो आपसे मैच होता है उसको हम उसमें डालेंगे पेशेंट को, एंड दिस इज़ द क्योर फॉर थैलेसीमिया। नाउ, क्या हम ये बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज येस, यू कैन प्रिवेंट अ थैलेसीमिक चाइल्ड फ्रॉम बींग बॉर्न। एंड हाउ डू वी डू दैट? द आंसर इज इन स्क्रीनिंग। हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो स्कूल गोइंग जो है या कॉलेज गोइंग जो है, उनमें रूटीनली, स्पेशली आप एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या रीजन से बिलोंग करते हो जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत कॉमन है, तो आप आपके बच्चों को एक थैलेसीमिया टेस्ट, सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट रहता है, करके ले लीजिए। सेकंड, आपने नहीं किया है अब तक तो नो प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स हैं, अगर वी फाइंड दैट दे हैव थैलेसीमिया तो हम उनके हस्बैंड का टेस्ट करते हैं, वो भी अगर थैलेसीमिया वाहक या कैरियर है। तो जो पेट में जो बच्चा रहता है उससे कुछ ब्लड निकालेंगे या कुछ फ्लूइड निकालेंगे, उससे म्यूटेशन टेस्ट करते हैं, एंड देन वी नो वेदर दिस चाइल्ड विल बी थैलेसीमिक और नॉट। द पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड विल हैव थैलेसीमिया इज जस्ट 25%। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टू प्रिवेंट द बर्थ ऑफ अ थैलेसीमिक चाइल्ड। So on this World Thalassemia Day, let's pledge our support to this noble cause of thalassemia and contribute to the eradication, or if not eradication, at least to the betterment of the lives of the thalassemic patients. And as our logo goes, let life win. Thank you very much.